हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आप में से काफ़ी सारे लोग पिछले कुछ टाइम से मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैंने अपने पोको F1 को क्या किया, मतलब बेच दिया क्या। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे पोको F1 डिवाइस है, ये मेरा वाला ही है, देख सकते हैं। यहाँ पे कवर भी, जो बैक स्किन लगी हुई है, ये भी मेरी वाली है। आप में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये स्किन कहाँ से मिली मुझे, तो गैजेट शील्ड्स की तरफ से मुझे ये रिव्यू के लिए आई थी और इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ, तो गैजेट शील्ड्स की साइट पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बट चूंकि पोको F1 के ऊपर कुछ खास अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, कोई नए चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो किस बात को लेके मैं वीडियो बनाऊँ वो समझ नहीं आ रहा। अब इस डिवाइस में MIUI 12 अगस्त में देखने को मिल सकता है, ऐसा पता चल रहा है गुप्त सूत्रों के अनुसार अभी तक। तो MIUI 12 जब इस डिवाइस में आ जाएगा तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। आज की वीडियो में बात करते हैं कि मैं कौन सा GCam पोर्ट इस डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, पोको F1 डिवाइस में। तो सबसे पहला सवाल कि हम क्यों GCam यूज़ करते हैं। तो यार, हम GCam यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमें ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा बढ़िया डायनेमिक रेंज वाली इमेजेस मिल जाएं, कैप्चर कर सकें हम। मतलब अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्टॉक कैमरा से तो काफ़ी बेटर रहती हैं, कलर्स काफ़ी मेंटेन रहते हैं, डायनेमिक रेंज काफ़ी बढ़िया से एडजस्ट करके रखता है, शार्पनेस बहुत तगड़ी मस्त वाली रहती है। और ओवरऑल जब आप देखते हैं स्टॉक कैमरा से कंपेयर करते हैं तो GCam की इमेज ज़्यादा बेटर लगती हैं ज़्यादातर कंडीशंस में। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि GCam हम लोगों के लिए एक वरदान है। मतलब जो बंदे मोबाइल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं उनके लिए एक वरदान है ये। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक्स का जो एम है वो है 1000 लाइक्स का। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा वाली मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा शाउट आउट हमारी डेवलपर कम्युनिटी को, मतलब जो GCam पोर्ट्स डेवलप करते हैं उनको। यार, उनकी मेहनत की वजह से ही हम अपने फ़ोन्स में इतनी कमाल की इमेज कैप्चर कर पाते हैं, इतने सारे गूगल कैमरा पोर्ट्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे ये डेवलपर कम्युनिटी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी मस्त वाले GCam पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कमाल की बात है, काबिले तारीफ है इनका काम। मतलब GCam के थ्रू हम बढ़िया वाली इमेज कैप्चर कर पाते हैं, नहीं तो स्टॉक कैमरा तो भाई साहब क्रीम पाउडर लगाने में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ता है। तो पोको F1 एक ऐसा डिवाइस है, जब से ये डिवाइस आया है तो डेवलपर कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है, हमेशा से 2018 से आज तक भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। और इसके लिए बहुत सारे GCam पोर्ट्स आए हैं, बहुत सारे GCam पोर्ट्स डेडिकेटेड इस डिवाइस के लिए भी बनाए हैं, डेवलप किए गए हैं। बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि और डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं लेकिन इस फ़ोन में भी वर्क कर जाते हैं। तो बेसिकली पोको F1 के अंदर बहुत सारे GCam पोर्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं। और हर पोर्ट के कुछ ना कुछ अपने यूनिक फीचर्स भी होते हैं। अब 2018 से मैंने इसमें बहुत सारे पोर्ट्स ट्राई किए हैं अभी तक, लेकिन अगर रीसेंट टाइम्स की बात करते हैं तो सैनिटी वाला वर्जन मैं इसमें यूज़ करता था, उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए स्विच हो गया था TR कैमरा के ऊपर, टाइगर कैमरा के ऊपर। और अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो मैं इसमें सैनिटी का SV 10.4 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और इससे मुझे काफ़ी धांसू वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ज़्यादातर शॉट्स हैं उसमें बढ़िया वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाती है, बोके काफ़ी कमाल का मिलता है अगर हम कोई पोर्ट्रेट वाली इमेज कैप्चर कर लेते हैं तो। स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेचुरल इमेज इसमें देखने को मिल जाती है। फ्रंट की जो पोर्ट्रेट इमेज हैं वो भी काफ़ी धांसू निकल के आती हैं। मैं पर्सनली फ्रंट कैमरा के लिए, सेल्फीज के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर 99% टाइम GCam ही यूज़ करता हूँ। आप कौन सा यूज़ करते हैं आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर नाइट साइड इमेजेस की बात कर लेते हैं तो इस मामले में कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा GCam और पोको के स्टॉक कैमरा के बीच में। तो ये सैनिटी का जो ये वाला वर्जन है इसके अंदर आपको कोई भी XML फाइल डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, थोड़ी बहुत सेटिंग्स आप ट्वीक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डे लाइट में, इंडोर्स में, लो लाइटिंग कंडीशन में, हर जगह आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप उसे कंपेयर करते हैं स्टॉक कैमरा से। तो अब ऐसा नहीं कर रहा कि स्टॉक कैमरा एकदम बेकार इमेज प्रोड्यूस करता है पोको F1 डिवाइस का, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कैमरा से बेटर इमेजेस निकल के आती हैं GCam वाली ज़्यादातर कंडीशन में। साथ ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट जो डाला था अपने चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप में से बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे सजेस्ट करे थे अलग अलग गूगल कैमरा पोर्ट्स, तो उसमें पैरट का 7.4 वाला वर्जन भी सजेस्ट किया था, उससे मैंने ट्राई किया था, मुझे पर्सनली उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। और रिसेंटली मैंने इसमें TR कैमरा का जो लेटेस्ट वाला वर्जन आया है 7.1 वाला, उसे भी ट्राई किया था, ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट ये सैनिटी वाला थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अपनी बात मैं आपको बताऊं तो मैं जनरली GCam का यूज़ वीडियो शूट करने के लिए कभी नहीं यूज़ करता, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। मतलब कुछ बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कोई वीडियो शूट करी और कैमरा क्रैश कर गया तो मेरी वो वीडियो पूरी ख़राब हो गई, तो इसलिए मैं वीडियोज़ के लिए स्टॉक कैमरा ही प्रेफर करता हूँ। और सेम यही कंडीशन होती है स्लो मोशन शॉट्स के लिए, स्लो मोशन भी मैं स्टॉक कैमरा से ही लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वीडियो के मामले में GCam उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इतना भी अच्छा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इमेजेस के मामले में बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है, लेकिन वीडियोस में अभी इन्हें काम करने की ज़रूरत है। अभी जो 7.5 वाला वर्जन आने वाला है GCam का,
उसमें वीडियोस के अंदर भी काफी बढ़िया काम किया है गूगल ने। तो अब जो 7.5 के पोर्ट्स आएंगे उसमें काफी मस्त वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब ऑडियो जूम वाला फीचर उसमें मिलने वाला है आपको और वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड ब्लर वाला फीचर भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये काफी कमाल की बात होगी और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द डेवलपर सपोर्ट करें और हम उसे एक्सपीरियंस करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वो गूगल कैमरा पोर्ट मिलता है मुझे तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मेनली मैं जीकैम को यूज करता हूँ सिर्फ इमेजेस कैप्चर करने के लिए, चाहे फ्रंट कैमरा से हो, चाहे रियर कैमरा से हो, चाहे डे टाइम पे हो, चाहे नाइट टाइम पे हो, मोस्टली मैं जीकैम यूज करता हूँ इमेजेस के लिए। और आप क्यों यूज करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ गूगल कैमरा पोर्ट्स के लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उन्हें ट्राई कर सकते हैं। वैसे सैनिटी वाला वर्जन आप ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल ये अच्छा वर्क कर रहा है। कोई और अच्छा वर्जन आता है तो मैं उसके ऊपर भी आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आप कोई और गूगल कैमरा पोर्ट ट्राई कर रहे हैं अपने पोको F1 में, आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर उसके रिजल्ट अच्छे मिले मुझे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए एंड्रॉइड के लिए और लाइक्स का जो एम है प्लीज पूरा करवा दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।